सुबह होते ही ये हमारे घर खाना खाने के लिए आ जाती है। ये उन सब पपीज की माँ है। प्लूटो भी इसके साथ खेलता रहता है। इसको खुजली हो रही है और इसकी वजह से प्लूटो को भी खुजली हो गई है, तो मैं सीधे बाइक उठा के इनकी दवाई लेने निकल जाता हूँ। ये E2 टैबलेट हफ्ते में बस एक बार देनी होती है। घर आते ही प्लूटो अपना लाड़ प्यार दिखाता है। इनको दवाई देने के लिए मैं पार्ले जी का बिस्कुट लेता हूँ और इस तरह से पानी में भिगो कर लड्डू बना लेता हूँ। ये दवाई लड्डू के अंदर डाल देता हूँ। लड्डू देख प्लूटो की राल टपकने लग जाती है। फिर प्लूटो लड्डू मिलते ही एकदम खा जाता है। फिर मैं ब्लैकी को भी लड्डू खिलाता हूँ। इसको कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाते हैं और ये और ज्यादा लड्डू मांगने लगती है। वैसे है ना बढ़िया तरीका दवाई देने का। फिर मैं पपीज के लिए दूध ले जाता हूँ और इनको अच्छे से खिला पिला कर घर के अंदर सुला देता हूँ। फिर इन सभी को भी खाना देता हूँ। फिर कालू से मुलाकात करके प्लूटो के साथ घर आकर सो जाता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।